हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भरवा बैंगन। ये भरवा बैंगन की जो रेसिपी है मेरी भाभी ने मुझे बताई है, जो बहुत ही मज़े के ये भरवा बैंगन बनाती हैं, तो मैंने सोचा उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए देखने में ही कितने यम्मी लग रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। हमने हरे बैंगन लिए हैं, आप चाहें तो काले वाले भी बैंगन ले सकते हैं। और ये 250 ग्राम्स है। और ये देखिए, और इनको हमने नीचे से थोड़े से इनके डंठल को जो है थोड़ा सा इनको सही से कर लिया है। और बीच में से हम इनको चीरा लगा के ये क्रॉस में इनको चीरा लगा देंगे। और ये और ताकि इसके अंदर जो है मसाला वो अच्छे से इनमें भर जाएगा। और हमने ये लिए 100 ग्राम हमने इमली ली है, और इसको हमने आधा एक घंटे पहले ही पानी में भिगा दिया था। और इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, फिर इसका पल्प निकाल लेंगे। 2 हमने अनियन ली थी और इनको हमने चॉप कर लिया है। और ये हमने पीनट लिए हैं, हमने 2 टीस्पून के करीब पीनट लिए हैं। 2 टीस्पून ही हमने ये तिल लिया है। और ये 2 टीस्पून ही हमने बारीक कटा हुआ हमने नारियल लिए, थोड़े से 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी लिए, और ये 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया लाल लेंगे। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 4 एक हमने खड़ी लाल मिर्ची लिया, 1 टीस्पून हमने जीरा लिया, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ते से जो इसकी खुशबू और टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आपका कड़ी पत्ता जो है वो ज़रूर लें। सबसे पहले हम ये जो बैंगन लिए हैं उसको हम तो बीच में से ऐसे चीरा लगा देंगे क्रॉस के अंदर जैसा, ये देखिए, ताकि इसमें जो हम मसाला बनाएंगे वो इसमें अंदर अच्छे से चला जाए। और तभी अच्छा लगता है कि बैंगनों में जो है मसाला भरा हो। तो ये देखिए हमने इसे इनको चीरा लगा दिया है। और अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। अब हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसको हमने पहले से फ्लेम पर रख दिया था तो इसलिए वो गर्म हो गया। उसके अंदर हमने पीनट को डाल दिया है, उसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं पीनट को। कम से कम 1-2 मिनट तक हम इसको पीनट को रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद इसमें सफेद तिल डाल देंगे। ये देखिए अब हम सफेद तिल डाल रहे हैं, और इन दोनों को भी हम 2-3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट करते रहेंगे। और बाद में हम कोकोनट डालेंगे, क्योंकि हमने जो कोकोनट लिया है वो बारीक लिया है, नहीं तो जल्दी से जो है रेड हो जाएगा। 2-3 मिनट तक हम इन दोनों चीजों को रोस्ट करेंगे। अब इसमें हमने कोकोनट डाल दिया है, ये देखिए। अब हम तीनों चीजों को अच्छी तरह से इसमें स्लो फ्लेम पे रोस्ट करते रहेंगे। देखिए ये जो है ब्राउन हो गए हैं तीनों चीजें, और ये अब हमारी रेडी हो गई है। और हम थोड़ा सा और इनको करेंगे, और उसके बाद इसको अलग किसी प्लेट के अंदर निकाल देंगे। अब हम इनको ज्यादा नहीं करना है, हमको जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए हमने इनको अलग प्लेट पर निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए, अगर हम फ्राई पैन में रहने देते तो कोकोनट है वो जल जाता। और देखिए हमने एक दूसरी कढ़ाई ली, उसमें 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल लिया है, और इसमें हमने 2 जो अनियन ली थी उसको हमने डाल दिया है चॉप करके, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। अगर हमको अनियन को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी सी हमको 2-1 मिनट तक हम इसको इसमें तेल में हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी जब वाइट रहेगी हम उसके बाद ही इसको निकाल लेंगे। मुश्किल से ये जो है 2-3 मिनट ही लेती है प्याज फ्राई होने में, और हम इसको फिर अलग निकाल लेंगे किसी प्लेट पे। ये देखिए बस हम 1 मिनट तक और करेंगे, और इसके बाद इसको अलग निकाल लेंगे अनियन को। अभी अनियन हो गई है, हम इसको अब हम निकाल रहे हैं। देखिए ये वाइट ही है मगर हमने इसको निकाल लिया है, बस हमको इतनी करनी थी इसको।
और ज़्यादा नहीं करनी है। इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे, और जो हमारा पीनट है उसी के साथ हम इसको अनियन को भी मिक्सी में पीस लेंगे। और इसको ठंडा होने के लिए हमने अनियन को रख दिया है। देखिए इन सारी चीज़ों को ये जो भी ठंडे हो गए हैं तीनों, तो हम सबको साथ पीस लेंगे। अब हमने जो हमारा ऑयल बचा था उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, और लाल मिर्ची डाल दी है जो हमने खड़ी लाल मिर्ची ली थी, थोड़ी सी हमने कलौंची डाल दी है जो 1/4 कलौंची ली है हमने, 1/4 टीस्पून। और इनको थोड़ा सा कुछ सेकेंड तक हम इनको ऐसे तेल में फ्राई करेंगे, इसके बाद ही इसमें हम बैंगन डालेंगे। तो देखिए हमने बैंगन डाल दिए हैं। आप जब भी ये भरवा बैंगन बनाए तो हरे बैंगन ही ले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हरे बैंगन से ही बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए हम इनको थोड़ी देर के लिए ऑयल में ऐसे चलें ऊपर नीचे करेंगे, ताकि जो तेल में है अच्छी तरह से ये बैंगन जो फ्राई हो जाए। और हम इसको थोड़ा सा इसका ढक्कन ढक के इसको 3-4 मिनट के लिए बैंगन को छोड़ देंगे, और फ्लेम जो है स्लो कर देंगे, ताकि जो बैंगन है हाफ गल जाते हैं इस टाइम। और जब तक ये ठंडा हो गया है पीनट और अनियन, तो इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए इसी के अंदर हम जो है फ्राइड अनियन भी डाल देंगे इसी के ऊपर। और 1 कप जो है इसमें पानी डालेंगे, ताकि जो है चरा से पेस्ट बन जाता है और फिर वो अच्छा रहेगा। ये देखिए अब हमने जो हल्दी और मिर्ची नमक लिया था हम बैंगन के ऊपर डाल रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची जो हम लेते हैं उससे जो कलर है बैंगन का वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए अब हमारे जो हमने मिक्सी में पीसा था एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है, और हम इसको बैंगन के ऊपर डाल देंगे। और 1 कप के करीब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, हमें वो ज्यादा गाढ़े या बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है भरवा बैंगन को। बैंगन जो है थोड़े से तीखी रहते हैं तो वो ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। तो देखिए तो सारा मसाला जो था वो सब कुछ इसमें डाल दिया है बैंगन में, और ये जो है हमने ऐसे चीरा लगा दिया था, तो जो मसाला है वो बैंगन में अच्छी तरह से चला जाता है। और जो मिक्सी का पार्ट था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था 2 से 4 कप में, ताकि उसका जो लगा हुआ था वो सब चीज़ें वो अच्छी तरह से इसमें आ गई हैं। देखिए अब हम जो इमली हमने बिताई थी उसको पानी में छोटे से चम्मच से हाथ से हम इसका पल्प निकाल लेंगे। और ये जो पानी है वो 1/2 कप है। तो देखिए और इस पानी को, इमली के पानी को हम इस भरवा बैंगन के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से हम चम्मच चलाएंगे, और इसके बाद इसको हम दम लगा देंगे, यानी बिल्कुल स्लो फ्लेम करके हम ढक्कन ढक के बैंगनों को छोड़ देंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए, ताकि जितनी कसर बैंगनों में होगी वो गल जाएंगे फिर। ये देखिए हमने ढक्कन ढक दिया है, 3-4 मिनट के लिए हमने बैंगन को छोड़ दिया है, फिर स्लो कर दी है बिल्कुल फ्लेम को। अब 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको देखा है, ढक्कन हटा के देखिए हमारे बैंगन जो है गल भी गए हैं, और मसाला जो है वो भी अच्छे से हो गया। बस हम इसको ऐसे ही रखेंगे। हमारे जो भरवा बैंगन है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और अब हम आपको सर्व करके बताते हैं ये कैसे बने हैं इसका फाइनल लुक। देखिए हम इसको किसी प्लेट पर निकाल रहे हैं, और आप ये हम आपको बताने के लिए ही निकाल रहे हैं। देखिए
देखने में ये इतने अच्छे लग रहे हैं, और जो हमने कड़ी पत्ता डाला है और उसकी खुशबू से और जो हमने कलौंजी यूज़ की है उससे ये बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट में बने थे। ये देखिए आप इनको रोटी पूरी और राइस के साथ खा सकते हैं, या ये सभी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। अगर आपको ये मेरी रेसिपी या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।